नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आदाब। हम आज तीसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं अपने चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक दुबे, जो यहाँ पे जिम कर रहे हैं लगभग चार महीने से, और ये भी एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए खेल चुके हैं। और इनके बारे में एक चीज़ फेमस है, इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाएंगे, दुबे पंडित, उन पर लगभग आप हर वीडियो में देखेंगे पावर यहीं से स्टार्ट होता है और पावर यहीं से ख़त्म होता है। तो आइए मिस्टर पावर से मिलते हैं आप सभी को, और आप सभी को मिलाते हैं मिस्टर पावर से। बताना चाहेंगे कि हमारे जो पिताजी हैं वो चार गायों को बांध रखे हैं, तो उन्हीं का हम लोग बिजनेस करते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, उन्हीं से हम लोग का इनकम होता है, और बस यही करते हैं हम। पैसा ही पैसा होगा, यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं इस उम्र में, बस यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं और कुछ नहीं। फिर साथ में जिम करते हैं। साथ में किसके जिम करते हैं? साथ में क्या, जो भी पार्टनर हमारे उसी के साथ जिम करते हैं। कौन है पार्टनर आपका? पार्टनर तो है, एक नाम है दिवाकर साहनी, अब एक हमारे गुरु हैं। तो कब तक ये लड़कों को पार्टनर बना के घूमेंगे आप? जब तक साथ दे दें तब तक पार्टनर बना घूमेंगे हम। मतलब उम्मीद है कि शादी होगी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 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 बहुत टाइम शादी के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में आप गए थे, बेंच प्रेस कंपटीशन में, तो आपने वहाँ गोल्ड मेडल लाया है शायद? हाँ, गोल्ड मेडल लाया है। तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जो अभी जिम ज्वाइन करने वाले हैं या जो नहीं जाते हैं अभी कंपटीशन में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि क्यों जाना चाहिए, वहाँ क्या सीखने को मिलता है आप लोग को, और जीतने के बाद कैसा रहा? आप उस प्लेटफॉर्म पर गए तो कैसा लगा आपको? हम कंपटीशन के लिए पहली बार गए, मेडल जीते, हमको अच्छा लगा, हमको गर्व महसूस हुआ कि हमारे जिम का नाम होगा, हमारे ज़िले का नाम होगा। और जो लोग नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं, उन लोग हमारा कि वो लोग करें, ज़िले के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं और आगे बढ़े, तभी हमारा देश स्पोर्ट में आगे बढ़ेगा जी। तो हिसाब से ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है कि किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं और परफॉर्म करें, और ये ज़रूरी भी है। और मैं उन सभी से बताना चाहूँगा जो नहीं जानते हैं या घबराते हैं, या होता है परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, एक एनजाइटी होती है कि नहीं मैं परफॉर्म कर नहीं पाऊँगा, या एक एनजाइटी होती है कि मैं उतने लोग के बीच कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कुछ अचीव नहीं करेंगे, और ये जितने लोग हैं इन्होंने स्टार्ट किया ये कहीं ना कहीं से, तभी ये मेडल ला पा रहे हैं। तो ये मेडल लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। आप स्टार्ट करें, घबराएं नहीं। अगर कोई दिक्कत है आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी नया जिम ज्वाइनर है अगर उसको चाहिए कि उसको कंपटीशन खेलना है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। नहीं मैं बता पाऊंगा तो हमारे पास ट्रेनर हैं, हमारे पास जो मेडलिस्ट हैं उनसे बात करूंगा और आपको सपोर्ट मैक्सिमम प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग खेलें अच्छे से और मेडल लाएं। सिर्फ अपने ये सिर्फ मेडल हम अपने धानापुर के लिए या चंदौली के लिए नहीं लाना चाहते, हम उस हर उस शख्स के लिए लाना चाहते हैं जो मेहनत करना जानता है और मेडल लाना जानता है। इससे आपकी बॉडी तो बनी रही है, ठीक है, इससे लड़कियों में आपका कितना क्रेज़ बढ़ रहा है आप ये बताइए। जिम ज्वाइन करने के बाद कितने आपके फॉलोअर्स बढ़ गए लड़कियों में, और ये जो आप जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं इसकी वजह से कितनी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आप ये बताइए ज़रा। ऐसा कि इंस्टाग्राम पे रील बनाने से पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है, बट लड़कियों के बारे में कोई ख्याल नहीं, हम देखते नहीं कि कौन सी लड़कियां फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं। मतलब लड़कियों को देखेंगे तो भाई मतलब कि लड़कियों का अगर देखेंगे तो हम जिम कहाँ से कर पाएंगे, मोटिवेट है ना जिम के लिए। अब लड़कियों के लिए होंगे तो फिर जिम हो नहीं पाएगा, तो यही सब है लड़कियों के बारे में। तो बारे में नहीं सोचते, तो सिर्फ चार महीने हुए आपको जिम ज्वाइन किए हुए, तो इससे पहले लड़कियों के बारे में सोचते थे, ये कहना चाह रहे हैं आप फंसते जा रहे हैं दीपक अभिषेक आप अपने ही बातों में फंसते जा रहे हैं, एक बार फिर से बोलेंगे आप? अब उससे पहले तो आप लोग को भी पता नहीं था हमारे बारे में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इसीलिए तो आए आपसे जानने के लिए। बस अब लड़कियों के बारे में कोई ख्याल नहीं है, अब जिम कर रहे हैं तो फिर जिम पे ही ध्यान देना है। हाँ, हम ठीक हैं अभी फिलहाल में, ठीक ही है। चार महीने या 15-20 दिन ही होता है, और जिम में पाउडर लेना शुरू करते हैं, प्रोटीन पाउडर या क्रिएटिन और प्री वर्कआउट लेते हैं और बहुत शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं जल्दी से जल्दी बॉडी बने। तो आप क्या प्रीफर करते हैं अपने बॉडी के लिए, आप ज़रा बताइए, और अपना डाइट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है आप नेचुरल डाइट फॉलो करते हैं। जैसा कि हाँ, हम डाइट नेचुरल, तो भैया ऐसा है कि हम नेचुरल डाइट फॉलो करते हैं,
और जो बच्चे लड़के या कोई भी जिम करता है 3-4 महीने के बाद जो भी पाउडर एस्ट्रोलाइट और क्या वो प्री वर्कआउट वगैरह सब लेते हैं, तो उन सब के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है क्योंकि मैं कभी उसको लिया नहीं हूँ और मैं लूँगा भी नहीं। मैं नेचुरल डाइट फॉलो करता हूँ। जो आप नेचुरल डाइट ले रहे हैं वो हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि क्या क्या आप लेते हैं, मतलब जिम आने से पहले आप क्या लेते हैं, जिम से जाने के बाद क्या लेते हैं आप? जी तो हम जो लेते हैं डाइट, जैसे कि हम जिम आने से पहले 2 बॉयल्ड अंडे 2 केले, जिम जाने के बाद सेम डाइट वही रहता है 2 अंडे 2 केले, और जो हम सुबह में अगर सुबह वगैरह में लेते हैं तो सुबह में चना हो गया, केला हो गया, फिर दही हो गया, बॉयल्ड आलू हो गया, और अंजीर हो गया, काजू पिस्ता, यही सब लेते हैं। बस ये नेचुरल डाइट मेरी। तो आप ये सब लेते हैं, इनसे आपको फ़ायदा पड़ रहा है क्या? आप दिख रहा है आप 4 महीने से ले रहे हैं। और बताते हैं लोग कि जो पाउडर लेते हैं उनकी जल्दी बॉडी बनती है, पता नहीं, मैंने भी यूज़ नहीं किया अभी तक तो मैं भी जानता नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए आप 4 महीने से जो नेचुरल डाइट फॉलो कर रहे हैं और जो आपका कोई जानने वाला जो पाउडर यूज़ करता है, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जैसे कि भैया पाउडर लेने से बॉडी जल्दी रिकवरी होती है, जैसा कि भैया पाउडर जो यूज़ करते हैं वो ख़राब नहीं है, लेना अच्छा है, लेकिन अगर उससे अगर एक्स्ट्रा लिया जाए अपने उससे मतलब स्टेमिना से बाहर लिया जाए तो अच्छा भी नहीं है, और पाउडर और एक प्री वर्कआउट ख़राब चीज़ भी नहीं है, और बस यही। तो ये कह रहे हैं ये वाकई में सही चीज़ है कि पाउडर आपको कोई भी चीज़ पाउडर ही नहीं अब कोई भी चीज़ लिमिटेड मिलेंगे तो अच्छा है, अगर उसका लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे जो बॉडी आपकी ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैंने लिया नहीं, मैंने सुना है, पढ़ा है यूट्यूब पे या गूगल पे पढ़ा है कि लोग पाउडर ले लेते हैं, एक क्वांटिटी होती है हर चीज़ लेने की, जैसे प्री वर्कआउट की 2 से 3 ग्राम लेने की होती है, लेकिन कुछ नए नए बॉडी बिल्डर या नए नए जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि इससे पावर जनरेट होगा, तो वो क्या करते हैं 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच घोल लेते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ होता है आप डिहाइड्रेट होते हैं इन सब चीज़ों को लेने के लिए। तो आपको पानी हर हाल में पीना होगा, और ये सारी चीज़ें आप लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, और बैंड सब्सटेंस मतलब जो बैन किया गया है वो सारी चीज़ें ना लें, और जो सही चीज़ें उनको लीजिए, और पानी ज़रूर पीजिए, अपना पानी ज़रूर बढ़ाइए। कौन? ये छोटा धमाका है। आइए आइए, छोटे धमाके हमारे आ गए। ये लड़का है जो लड़कियों के मामले में तेज है, 12 में फेल हो चुका है, ठीक है, और इससे जब भी पूछेंगे, ये इसकी उम्र खाली 16 साल है, पर इससे बात करेंगे तो ये बताएगा 40 साल का एक्सपीरियंस। तो इससे हम जानना चाहेंगे कि पावर ये कहाँ से जनरेट करता है इतना, तो बताइए पावर कहाँ से जनरेट करते हैं? पावर तो इतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा पावर कुछ है, पावर यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से ख़त्म हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से ख़त्म हो जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं ख़त्म हो जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरे एक लोग और आ गए। ये कहता भैया पावर ये शुरू होला ये खत्म होला। कहाँ से तब शुरू होला? पावर यहाँ शुरू होला यहाँ खत्म हो जाला। सबकर पावर अलग अलग जगह से खत्म होता शुरू होता। तो भैया पावर सबका अलग अलग स्टार्ट होता है, हमरे ना समझ में आता उनकर पावर, तो हर पावर कहाँ से स्टार्ट होता है, इनकर पावर कहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है। तो पावर के बारे में जब बात छिड़ी गया है तो एक बार इंडिविजुअल मतलब अलग अलग राय लेते हैं कि किसका पावर कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि इस बच्चे का तो सबको पता है, ये तो एकदम खुल के आ रहा है सामने, इसका पावर स्टार्ट तो हमेशा ही रह रहा है लग रहा है। तो हम जानना चाहेंगे अभिषेक से फिर मनोज से, इन दोनों का पावर यहाँ कैसे स्टार्ट होता है, तो लीजिए अभिषेक। तो जैसा है भैया कि पावर जो है, पावर तो इंसान के अंदर से ही स्टार्ट होता है और वहीं से ख़त्म होता है। हाँ वही सब चलेगा ना, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे बगल में जो बैठे उनका पावर कहाँ से स्टार्ट होता है, और पावर वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी बढ़ेगी नहीं।
बात ये है ना कि पावर स्टार्ट होता है और यही खत्म भी हो जाता है। नहीं, अरे खत्म करने तकली पीढ़ी नहीं बढ़ेगी आपकी। पावर वहां से स्टार्ट होना चाहिए। बात ये है, एक बार हम मनोज पाल से जानना चाहेंगे आपका पावर कहाँ से स्टार्ट, इन दोनों का तो पता चल गया आपका कहाँ स्टार्ट होता है। देखिए भैया, हमारा पावर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं खत्म हो जाता है। आपका भी यहीं खत्म हो जाता है भाई, दिल का मामला है मैं समझ सकता हूँ। ये थोड़े दिन पहले ब्रेकअप हुआ है तो यहीं से खत्म हो जा रहा है इनका, यहाँ तक जा ही नहीं रहा है, आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना गरीबी से गुजर रहे हैं। ये देखिए 10 रुपए, कल ये लड़का बोल रहा था गरीब है, सारे गरीब हैं यहाँ पे, ये 10-10 रुपए में पावर जनरेट कर रहे हैं। पावर है। तो पावर यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से खत्म होता है। तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए। अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम अगले वीडियो के साथ ज़्यादा फनी कंटेंट लाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ और अच्छा लाएंगे। तब तक के लिए कमेंट करिए कि हम क्या अच्छे टॉपिक पे बनाएं, और भी चीज़ें हम लेकर आएंगे। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि हम किससे क्या पूछें, क्या नहीं पूछें, क्या अच्छा करें, क्या नहीं अच्छा करें। तो आपका ज़रूरी है हमें सजेशन, और इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा। Thanks. Love you. Forever.